जय माँ सिद्धिदात्री। मैंने रई लगा दी है, सुबह 4:30 बजे में उठी थी। अब मैं बना रही हूँ चाय, और रात को मैंने चने भिगो के रखे थे ताकि अच्छे से फूल जाए, तो ये मैंने चने भिगोए हुए हैं। और रात को ये मैंने चीनी भिगो के रखी थी, उससे बनाऊंगी मैं गुलगुले। और रात को इसलिए भिगोई ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि एकदम से ये भीगने में बहुत टाइम लेती है। अगर आप चाहो तो गुड़ के भी गुलगुले बना सकते हो और चीनी के बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और हमारे गुलगुले कंपलसरी होते हैं, क्योंकि बिना गुलगुले के हमारे माता का भोग भी नहीं लगता। तो मैंने चाय बना दी है, चाय देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने माता की मेहंदी भी लगाई रात को। ये देखो माता वाली लगाई थी मैंने। और अब मैंने सोचा है कि झाड़ू पोछा पहले निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद नहा के फिर उसका सारा काम करना है मुझे। कन्या पूजन के लिए भोजन बनाना है मुझे। आज माता का 9वां दिन है और 9वां ही मेरा व्रत है। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। अब मैंने गुलगुले की तैयारी के लिए जो आटा होता है ना, आटा को छान के और जो पानी का चीनी पानी का घोल था ना, उससे उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा गीला ही पेस्ट बनाना है, पेस्ट जैसा बन जाएगा फिर उससे अच्छे से गुलगुले बन जाते हैं। तो अगर आपको टाइट लगे तो आप उसमें और भी पानी डाल सकते हो। और अगर किसी को नहीं आता, अब इस तरह से बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। अब इसको फिर थोड़े थोड़े गोले बना के डालेंगे, तेल में फ्राई कर लेंगे और गुलगुले हमारे रेडी हो जाएंगे। अब मैंने आटा लगा के आटा छान के रख लिया है। इस साइड में परात में एक्स्ट्रा आटा था, तो उसी को मैं और थोड़ा सा छान के मोइन डाल के फिर इसको गूंथ लूँगी। अब मैंने कुकर में आलू और चने बॉईल करने रख दिए हैं। अब मैं तब तक आटा लगा लेती हूँ। इसमें मैंने अजवाइन और मोइन डाला है और अच्छे से इसको लोच लगा के गूंथ लिया है, ताकि पूरी बड़ी सॉफ्ट उली फुली बने। तो मैंने कम से कम आधे पौन घंटे पहले आटे को लगाया था, तो थोड़ा टाइम के लिए तो रेस्ट के लिए इसको देना पड़ता है। और मैं नहाती इधर ही आ गई थी, टॉवल भी मैंने सिर पर लपेटा हुआ है। और इसके बाद मैं मेकअप करूँगी। तो अब मैं पूरी फ्राई कर रही हूँ, गुलगुले मैंने बना लिए हैं और पूरी मैं तल रही हूँ। तो यहाँ पे खीर बन चुकी है, यहाँ पे हलवा बन चुका है, यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, और पूरी और गुलगुले ये सब बन चुके हैं। और मुझे पूजा पाठ करनी है और फिर मुझे कन्या का वेट करना है। तो हमारी मम्मी जो गई है कन्या को बुलाने, तब तक मैंने थोड़ा प्रसाद बना लेती है। और नारियल को बताया था मनन ने। अब हमारी कन्या ही आ गई। मैंने सारी माताओं के पैर धो के चुचकारे, फिर सारी माताओं को मैंने टीका लगाया, नाल बांधे, और फिर सारी कन्याएं बैठी। लेकिन खुशी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है कन्या पूजन करना। कन्या हमारे घर आई, माता रानी हमारे घर आई, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस व्लॉग में यही बताना था कि गांव की लड़कियां कन्या पूजन के टाइम इतनी छिकी हुई होती है ना, तो बोलेंगी थोड़ा डालना ऐसे करती रहती है। कई घरों में खा के बेचारी कि यही मतलब कन्या पूजन के टाइम ही इनको ज़्यादा कर लोग बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। अदरवाइज़ आजकल कन्या कहाँ मिलती है, होती नहीं है। तो घर में कन्या होना भी एक शुभ संकेत होता है, इससे घर में बरकत होती है। तो लाल मैंने बांध दी है सभी को, और ये कन्याएं मेरी 7 है, मैंने बनाई थी 9। तो फिर मैंने वानी को एक साइड बैठा दिया, क्योंकि 8 हो रही थी टोटल। तो वानी बोली मम्मा मैं आपकी हेल्प करा दूंगी और 7 कन्या करा दें। 9 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हो, यानी कि विषम संख्या में ही हम कन्याओं को रखते हैं। तो वही है मेरे साथ, यही हुआ। अगर वानी को रखती तो सम संख्या हो जाती, अब विषम संख्या थी। तो अब मैं लेके आ गई हूँ भोजन के लिए सारा आइटम इधर पे। और इसमें वानी ने मनन ने मेरा काफ़ी सहायता की। तो मैं माता रानी के काम में कभी ये नहीं सोचती कि कपड़े गंदे हो या ना हो। मैं अपनी चुन्नी से साफ करना शुरू कर दिया। कपड़ा मैंने मनन से मंगाया था, तो लाने में थोड़ा लेट हुआ, इतने देर में से मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। अभी कन्या कह रही है आंटी थोड़ा थोड़ा डालना में, तो मैं बोली थोड़ा बहुत तो ज़रूर लगाना पड़ेगा, हमारी माता है तो हमारे घर का थोड़ा बहुत तो खाएगी।
तो मरन को इस काम में करने में बहुत मज़ा आता है, तो वो भी मेरे साथ लग गया कन्या पूजन के लिए। तो सारी कन्या छिकी हुई थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, फिर भी कन्याओं ने लगभग खाया था जितना मैंने डाला था। वो ये कन्याओं का माता रानी के टाइम में बुलावा आता है बेचारी को, तो सभी घरों के जाने से सबका पेट फुल हो जाता है। तो मरन को मैंने बोल दिया था तो तब तक पानी लेके आ, तब तक मैं इनको सब कुछ खिला देती हूँ, अगर इनको कुछ चाहिएगा तो मैं अपने आप दे दूँगी। तो ये मेरी कन्या पूजन का था, खाना मैंने अच्छे से बनाया था और खाना बहुत टेस्टी बना था, प्रसाद मतलब सफिशियंट था, बहुत अच्छे से हुआ। तो मैंने दक्षिणा के लिए केला, पैसे और प्रसाद रखे हैं, बाज़ार में जा नहीं पाई थी वरना मैं कुछ और भी लेके आ पाती, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था गांव में, आपको पता है काम का थोड़ा लोड हो ही जाता है। तभी कन्याओं को मैं दक्षिणा देने के बाद वो मुझे आशीर्वाद दे रही है, मैं उनके चरण स्पर्श कर रही हूँ। तो ये गांव का आपको ये विलेज लोग आपको दिखाना था कि गांव में कन्या पूजन किस तरह से किया जाता है और किस तरह से उनको भोजन करा के भेजा जाता है। तो यही है माता का, आज का मेरा आखिरी दिन था, 2 दिन के व्रत मेरे बड़े सफल हुए, माता रानी पूरा साथ दिया, फुल एनर्जी के साथ मैंने पूरे व्रत किए और माता रानी का खूब आशीर्वाद मिला। और मैं चाहती हूँ सभी को माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, सभी खुश रहे और माता रानी की कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे। तो आज का मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता रानी का आशीर्वाद पाइए। बोलो जय माता की जय।